यस क्लास 13.7 क्वेश्चन नंबर 7। और इसके बाद जो अनाउंसमेंट होगी ना, यू पीपल नो बेटर। क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड 7 का सेवेंथ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.7। A right angle triangle ABC with side 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm। मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल इधर उधर देख के इंट्रैक्शन हुई ना क्लास में, आज देख लेना फिर जरा। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में साइड्स आर गिवन टू बी 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर एंड इट इज रिवॉल्व अबाउट, कुछ फर्क नहीं पड़ता फिर क्या हुआ, नहीं है बुक तो हमने कौन कौन सा पढ़ने आए हैं जो बुक लेके आए हैं ना। इट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर Find the volume of the solid so obtained. Find the volume of the solid so obtained. I'm just looking at your faces, just to see that whom I should put out of the class. There is a right angle theorem. Please shut your mouth. Keep quiet in my class. I'm telling you. There is a right angle triangle ABC. अब देखो जो इसकी sides दी हुई हैं उसके बारे में एक चीज याद रखना, that when we are to assigning the sides length measurement to the particular sides, keep one thing in mind that hypotenuse always the greater side. So इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जो 13 सेंटीमीटर है उसको हाइपोटेन्यूज़ पे लिख दें पहले, सबसे पहले। नाउ द ट्रायंगल इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, जिसके अबाउट रिवॉल्व करना है ना उसको हम लेंथ में रख लेते हैं एंड द रेस्ट इज 5। इन दोनों का वैसे कुछ खास नहीं होता, अगर नीचे भी आप 12 को रख लोगे तब भी चलेगा, बट आई एम जिसके अबाउट रिवॉल्व करना है उसको मैंने हाइट वाली डायरेक्शन में रख लिया। नाउ दिस ट्रायंगल इज going to revolve about the side 12 centimeter, जिसके अबाउट हमने इसको रिवॉल्व करना है, that side is to be fixed, उस साइड को हमें जो है वो फिक्स रखना है, उसको हमें जो है हिलाना नहीं है, उसी के अबाउट जो रिवॉल्विंग और रोटेटिंग होगी। आपने इसको चुप करना है उन्होंने कि नहीं, वट एवर इज देयर कीप क्वाइट। जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे 12 सेंटीमीटर साइड के अलोंग, तो दिस विल बी फिक्स्ड एंड दिस विल मूव अराउंड लाइक दिस। एंड यू नो व्हेन द राइट एंगल ट्रायंगल इज रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ द साइड, इट कम्स आउट टू बी अ राइट सर्कुलर कोन, राइट, वो कोन बन जाता है हमारे पास। तो जो कोन बनेगा नेचुरली उसकी जो हाइट होगी दैट विल बी 12 सेंटीमीटर द फिक्स्ड लाइन, एंड द रेडियस ऑफ द बेस जो उस कोन का होगा that will be the base, that is 5 cm. Write down, after revolving triangle ABCD ABC along the side AB equal to 12 cm, along the side AB equal to 12 cm, we will get a cone with h yani height equal to 12 cm and radius 5 cm and actually slant height you can see it is 13। ye dimension aagi kaun ki, he says
find the volume of the solid so obtained. We are getting core. So volume is equal to 1 by 3 pi r square h. 1 by 3, 22 by 7 r square h. Solve and get the answer. Volume of the cone, you will get it like this. सेंटीमीटर क्यूब। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो थोड़ा सा चेंज किया उसने, कहता अगर सेम फिगर को हम 12 सेंटीमीटर के बजाय 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, नो डाउट नेचुरली अगेन वी विल गेटिंग अ कोन, बट इंस्टेड ऑफ हाइट टू बी 12 सेंटीमीटर दिस टाइम हाइट विल बिकम 5 सेंटीमीटर, जिसके अबाउट रिवॉल्व किया वो हाइट बन गई और जो नीचे बैठ गया कौन है 12, दैट विल बिकम द रेडियस एंड स्लांट हाइट रिमेन्स द, व्हाई स्लांट हाइट रिमेन्स द सेम, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, इज इट ओके। सो इस पार्ट को नेक्स्ट पार्ट को अपने आप सेम लाइन ऑफ एक्शन से करोगे। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, हीप ऑफ अ बीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5, so the radius is 5.25. Heap of a cone, a diameter दिया हुआ है, तो हमने वहाँ से radius find कर लिया। Height of the heap, this is given to be 3 meter. Volume is to be find out. Heap, आपने देखा होगा किसी भी चीज का जब हम ढेर लगाते हैं, wheat है, sand है, whatever, it take the shape of cone. So you want to find volume, this is 1 by 3 pi r square h. Solve and get the answer. 1 by 3 pi r square h. One more question is added over here that you want to cover this heap with canvas. आप देखते होंगे कि जो farms होते हैं, field होते हैं, वहां पे farmer ने अपने जो वीट के ढेर होते हैं उसको कैनवस के साथ ढका होता है ताकि बारिश से बच जाए, बेचारों के पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, है ना। तो इस हीप को हमें कैनवस के साथ जो है वो ढकना है, निकालेंगे तभी। तो कैनवस के साथ जब हम हीप को ढकने जा रहे हैं, दैट कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया वी नीड स्लांट हाइट। सो लेट अस फर्स्टली फाइंड एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो इसको करके कितना आ रहा है, एंड आफ्टरवर्ड स्क्वायर रूट निकालने के बाद के 5.25 का स्क्वायर, 6.05, इसका स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 5.25 का, 27.5625 square root of 36.5625 6 point something आएगा, निकाल लो square root कितना आ रहा है, 4 पे जाएगा, 0.6। अगला नंबर इससे बड़ा आ जाएगा 5 से, 0.6 आएगा। अप्रोक्सीमेटली सो हम 3 डिजिट का ले लेते हैं,
देखो मैंने थ्री डिजिट तक निकाला, 0.6046 आया। तो आपको पता है थ्री डेसिमल, अगर मैं टू डेसिमल प्लेस तक निकालना चाहूँ और थर्ड डेसिमल प्लेस फाइव या फाइव से ज्यादा हो जाए तो पिछले को हम एक क्या कर देते हैं, इंक्रीज, तो ये आ जाएगा 6.05 अप्रोक्सीमेटली। सो स्लॉट हाइट टू अप्रोक्सीमेशन वी आर हैविंग इट टू बी 6.05, अप्रोक्सीमेट स्लॉट हाइट कम्स आउट टू बी 6.05। नेक्स्ट, अब हमने इसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कैनवस की क्वांटिटी कैसे निकलेगी, बाय फाइंडिंग आउट कर्व्ड सरफेस एरिया। अपने आप करोगे इसको। लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट एक्सरसाइज 13.8। एक्सरसाइज 13.8, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर योर मास्क। 13.8 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होज रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जहां पे रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो स्फीयर का वॉल्यूम वी नो इट इज 4/3 πr³, 4/3, 22/7, आर क्यूब मीन्स आर विल बी रिटन 3 times। सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट, कैलकुलेशंस अपने आप करना। लुक एट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ वॉटर विच इज डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, सेकेंड पार्ट आई एम टेकिंग, 0.21 meter, रेडियस इज 0.105। Archimedes principle, we all know that when we put some solid in the water, then water displaced will be equal to the volume of the solid. Archimedes ka principle kiya hua hai na aapne, ki agar hum kisi pani ke tub mein ek ball dalte hain, to jitna pani bahar aayega, that will be equal to the volume of the ball, right? Kat gaya, Archimedes principle kat gaya, to yaad rakhna, this is Archimedes principle that the water displaced from a vessel will be equal to the volume of the object or volume of the, you can say, the thing that we are going to put in it. अगर आप एक जग में गिलास डालते हो तो पानी उतना ही बाहर आएगा जितना कि गिलास का वॉल्यूम है। सो हम फाइंड करना चाहते हैं कि अमाउंट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड बाय ए स्फेरिकल बॉल, प्लीज कीप क्वाइट, amount of water displaced by a spherical ball, write down amount of water displaced displaced is equal to volume of ball. spherical ball ko agar aap pani mein dal rahe ho to jitna pani bahar aayega that will be equal to volume of the ball, amount of water displaced. Volume of ball, this is 4/3 πr³, r is with you, pi you know, put the values, get the answer.
लुक एट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, डायामीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर. डायामीटर इज 4.2 सेंटीमीटर और रेडियस कम्स आउट टू बी 2.1 सेंटीमीटर. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? जब भी हमें मास निकालना होता है हमें वॉल्यूम को वॉल्यूम मल्टीप्लाई मास पर यूनिट डेंसिटी मतलब. ठीक है चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ बॉल 4/3 पाई आर क्यूब आर क्यूब. करो इसको सॉल्व. फोर बाय थ्री पाई आर क्यू एट पॉइंट एट इंटू फोर पॉइंट फोर वन. करो मल्टीप्लाई क्या आ रहा है. फोर पॉइंट फोर वन मल्टीप्लाई बाय एट पॉइंट एट थर्टी एट पॉइंट. इसको मल्टीप्लाई करके थर्टी एट पॉइंट. दिस कम्स आउट टू बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉल. नो नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड द मास. Write down mass of the ball. Mass of the ball is equal to volume into mass per unit. That is 38.808 into 8.9 grams. यही है. लेट अस स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फोर, लुक एट योर बुक्स. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, धारे वेयर योर मास प्रॉपरली. Diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. अब बात किस पे खत्म हो रही है? अर्थ पे. रिलेशन दिया हुआ है अर्थ एंड मून के डायामीटर में और बात जो है वो अर्थ पे खत्म हो रही है. तो जिस पे बात खत्म हो रही है हम उसी को लेट करेंगे. सो लेट करो, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू एक्स. अर्थ का डायमीटर स्मॉल डी कह लो, आपके पास एक्स आ गया. डायमीटर ऑफ अर्थ वी आर सपोजिंग इट टू बी एक्स.
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मून्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. सो लेट अस टेक इट टू बी कैपिटल डी एक्स बाय फोर. मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो लेट इट बी एक्स बाय फोर. अब हम दोनों की रेडियस निकाल लें. स्मॉल आर रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर. नथिंग यू आर राइटिंग ऑन योर कॉपी, नथिंग. मेरी से नोटबुक We want to find but the question is, देखो अगली line. What fraction of the volume of earth is the volume of moon? Moon का volume earth की volume का कौन सा हिस्सा है? What fraction of volume of earth is the volume of moon? नेचुरली मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम से कम होएगा इफ वी कंपेयर द साइज. तो इसका मतलब अर्थ के वॉल्यूम का कुछ हिस्सा मून का वॉल्यूम बनेगा, ठीक है. और हमें नहीं पता कितना. क्वेश्चन ने यही पूछा है कि अर्थ के वॉल्यूम का कौन सा हिस्सा मून के वॉल्यूम के इक्वल है. मून्स वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है. हमें इतना पता चल गया द क्वेश्चन इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द टू. So let us find volumes. Let it be V1. 4 by 3 pi r cube. X by 2 cube. जहां भी फ्रैक्शन मतलब रेशियो, इसका मतलब पाई की वैल्यू रिप्लेस मत करो. आप पे नहीं कोई असर, दोनों पे कोई असर नहीं. आई सी यू व्हाट यू डिड. सेम थिंग आई सी. और चल क्लास. नहीं मैं अभी अभी चलो मेरे साथ. हमने दोनों का वॉल्यूम निकाला है. यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है आपने वो रिप्लेस नहीं करनी, ठीक है. नो नीड टू रिप्लेस वैल्यू ऑफ पाई. वैसे सॉल्व कर लो. पाई के साथ पाई कट जाएगा. तेरे को जो ज्यादा मतलब चढ़ा हुआ ना शरारतें करने का भूत, उतर जाएगा एक दिन में. डोंट वरी. V1 is 4 by 3 pi x cube by 8. Now we will find the volume of the moon. अंशिया एक काम करना, छुट्टी टाइम ना गुरलीन मैम से इसके पेरेंट्स का नंबर लेके ना मुझे देके ना. So we find out the volumes of the both, volume of the earth and volume of the moon. शौक क्यों फिर क्लास में खड़े होने का? चले जाओ बाहर. अगर इतना शौक है पढ़ने का तो sit silently and in the discipline way. क्यों खड़ा है फिर अब डोर पे? नहीं कोई बात नहीं बेटे, सॉरी मांगेंगे, बहुत अच्छे से मांगेंगे सॉरी. तेरे को तो सॉरी मांगने का शौक चढ़ा होगा ना, रोज रोज तेरे शौक पूरे करेंगे सॉरी मांगने के. यू डोंट वरी. वी वॉन्ट टू फाइंड that what fraction of the volume of the moon, volume of the earth is the volume of moon. यानी कि हमारा सारा concentration moon के volume पे है. हम moon के volume का relation find करना चाहते हैं earth के volume के साथ. तो हम क्या करेंगे, जो fraction और जो ratio हम लिखना चाहते हैं उसमें हम moon का volume ऊपर लिख लेते हैं. This will be, I'm writing V2 over V1. मून का वॉल्यूम ओवर अर्थ वॉल्यूम. मून वॉल्यूम इज 4 बाय 3 पाई एक्स क्यूब बाय 512. एक मिनट सॉल्व करें पहले इसको. 4 बाय 3 पाई, 4 बाय 3 पाई गेट कैंसिल. सो V2 ओवर V1 x cube over 512
8 over x cube, x cube, x cube get cancelled. हमने रेशियो निकाल ली जिसमें कि मैंने मून का वॉल्यूम ऊपर रखा, अर्थ का वॉल्यूम नीचे रखा, क्योंकि फ्रैक्शन मींस इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो. अब मून के वॉल्यूम को अपने पास रखो जिसका हमें आंसर निकालना है. हाँ जी, आप भी सोए रहो क्लास में बेटे, मम्मा आएंगे आपको उठाने के लिए आपके, आप सोए रहो. बी टू इज इक्वल टू 1/64 टाइम्स वी वन, यानी कि मून्स वॉल्यूम इज 1/64th टाइम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. जिसके वॉल्यूम का आपको आंसर निकालना है, मून के वॉल्यूम का आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ. दैट्स व्हाई व्हेन यू विल कंपेयरिंग, व्हेन यू विल फाइंडिंग आउट द फ्रैक्शंस, यू विल बी हैविंग, मैं अभी आते हैं ना, मैं अभी बात करती हूँ मैम से. वी टू ओवर वी वन, तो आपने वी टू न्यूमिरेटर में, वी वन डिनोमिनेटर, एंड यू आर गेटिंग इट अकॉर्डिंग. नेचुरली मून इज स्मॉलर देन अर्थ, तो जो मून का वॉल्यूम है अर्थ के वॉल्यूम को किसी चीज से डिवाइड करके आएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई वॉल्यूम ऑफ द मून एज न्यूमिरेटर एंड वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एज डिनोमिनेटर. चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड. अंशिया इसी से लिखवाओ पेपर पे पीछे इसके पेरेंट्स का नंबर, एंड इट शुड बी करेक्ट, लिखवाना इससे मदर फादर दोनों का नंबर लिखो. यस, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमी स्फेरिकल बाउल contain whose diameter is 10.5 centi, दोनों का लिखो, whose diameter is 10.5 centimeter. इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, volume निकालना है किसका, hemisphere का. What is the formula for hemisphere's volume? 2/3 pi r³. Diameter दिया हुआ है, radius निकाल लेना, अपने आप करोगे ये question. Let us do question number 6. Let us start with 6th question. A hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. Inner radius is 1 meter. If the inner radius is 1 meter, find the volume of the iron that is used. बेटे statement miss होगी ना, कोई फायदा नहीं है लिखने का. Statement मैं पढ़ रही हूँ, आप बातें कर रहे हो. Find the volume of the iron that is used to make the tank. Ab chalo we'll continue.